तो क्या है डिटेक्टिव फैमिली, आप सभी लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ए प्लेग टेल रिक्यूम में। और पिछली बार अमीसिया, ह्यूगो और आर्नोल्ड सोफिया के साथ निकल चुके हैं उस आइलैंड के सफर में। अभी वो लोग एक बड़े से शिप में हैं और समंदर के बीच में हैं, पर आज हम देखेंगे क्या वो लोग उस आइलैंड में पहुंच पाते हैं कि नहीं। ओके, और आगे क्या होने वाला है वो सब जानने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, जिन लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे वो जाके देख लो, बहुत ही मजा आएगा आपको। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बेसिकली अभी हमको शिप चलाना पड़ेगा क्योंकि सोफिया को कुछ काम करना है। क्या मैं संभालूं शिप? अमीशा को भी मन है कि वो एक शिप चलाए। Exactly, दे दे हमें। Go on, you won't crash into anything. और अमीशा डर रही है कि कहीं वो बोट को क्रैश ना कर दे। लेकिन समंदर में बोट क्रैश नहीं होता। So, it's amazing. He has reasons to be. Deep scars. बदमाशी है वो, बदमाश। Arnold. Oh, duty calls. क्या हुआ ह्यूगो? You're welcome. Thank you. Okay. Amicia, come. क्या हुआ? पहुंच गए क्या उस आइलैंड पे? बोल दो कि हाँ पहुंच गए हम। There's something there. Exactly. भाई let's go. Finally हम आइलैंड पे पहुंच चुके हैं भाई। Wow. That's it. Lacuna. Lacuna. Let's go. और ह्यूगो यहाँ पे बोलता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं अपने सपने में देख रहा था। Whatever's there, we'll find it together. Island explorers. Yes. Exactly. वहाँ पे जो जो भी कुछ भी है वहाँ पे हम दोनों मिलके ढूंढेंगे। You know, it's not important if I die. What? What are you talking about? The Magister Vaudan told me I'm going to die. God, no, Hugo. I'm so sorry. Vaudan, बदमाश। Don't be sad. I'm happy to be here. This boat is the best, and I like Sophia. हाँ, ज़्यादा mature वाली बातें कर रहा है तू। हाँ, मार खाएगा। बदमाश ह्यूगो। Sorry. Just wanted to say we'll be preparing to make land soon. I'll need your help. Just come see me when you're ready. Yes. Okay. Sure. तो Sophia को हमारी मदद चाहिए deck में। I'm happy to be here with you. और ह्यूगो यहाँ पे बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ। ये सुन के अमीशा बोलती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर ह्यूगो बोलता है कि मैजिस्टर हुडन ने मेरे को बोला था कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ और मैं खुश हूँ कि मैं साइलेंट में ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ। ये सुन के अमीशा बोलती कि तू चिंता मत कर, तेरी बड़ी बहन तेरे को कुछ नहीं होने देगी एज ऑलवेज। चलो, इस आइलैंड में लोग भी हैं। ओके, गॉट इट। यहाँ पे एक छोटा सा शहर भी है। और आर्नोल्ड के दिमाग में मे भी कुछ चल रहा है शायद, क्योंकि सोफिया ने बोला है कि वो अच्छा नहीं है, वो कुछ भी चीज बिना मतलब के नहीं करता। This land is under the Count's law. Be nice. Ooh. I see. तो ये जगह जो है वो Count's law चलाते हैं, ऐसा कुछ। Okay. Basically, जब Amicia, Hugo इस island में पहुंच चुके हैं, तो एक lady होती है, dream, Amicia. जो हमारा स्वागत करती है। It's very beautiful, yes. But now we need to find whatever called you here. Welcome. The market is just up the street. Plenty for you to see. ह्यूगो बोलता है कि यह सब बहुत सुंदर है, लेकिन अमीशा बोलती है कि हम वो ढूंढने आए हैं जो तेरे सपने में दिख रहा था। ठीक है, हम अपना काम करने आए हैं। So I heard of this dream and well, I'd like to help. अच्छा। First I must know what you're searching for. All right. So it's a bit strange, but well, go on, Hugo. Yes. In my dream, okay. I woke up on the beach and I was sick and scared, but अपने सपने की बात कर रहा था। Bird came and I followed him. I thought I was dying, but the bird showed me water that healed me. And there was a huge tree too. And
that's where I wake up each time. Good. So, bird, tree, and water. Could be anywhere. But I guess it's a start. We can ask at the market. Come on. तो बेसिकली आर्नोड हमको बोलता है कि मुझे तुम्हारे सपने के बारे में कुछ मतलब बताओ क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये सुन के ह्यूगो बोलता है कि मैं अपने सपने में एक बीच पे उठता हूँ जहाँ पे एक बर्ड आता है और मैं उस बर्ड को फॉलो करता हूँ। फिर मेरे को एक मतलब बहुत बड़ा सा पेड़ दिखता है और वहाँ पे जाके मैं बार बार बेहोश हो जाता हूँ। तो ये सुन के आर्नोड बोलता है ठीक है, तो एक पेड़, एक बर्ड और एक बीच, यही हमें ढूंढना है। लेट्स गो। तो मे भी यहाँ पे मार्केट में जो सब लोग हैं शायद ये हमारी हेल्प कर सकें उस पेड़ को ढूंढने में। You shouldn't tell them that it's a dream. And don't ask too many people. You never know. Yes. हर किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि हम मुसीबत में पड़ सकते हैं obviously. और सामने कुछ डांस फेस्टिवल वगैरह कुछ चलने वाला है, जाके वहाँ देखते हैं। मे भी वहाँ पे कुछ क्लू मिल जाए हमें। Different captain, different men, different land. आ जाओ। Don't think so. Good. I hope there will be a dragon. वो देखो हमारा आइलैंड का चोटी, क्या ही सही लग रहा है। और हिगो बोलता कि ये सब मेरे ड्रीम में नहीं था लेकिन मेरे को जगह बहुत पसंद आ रहा है। ओके, मे भी ये सब प्रेयर करने वाले हैं। और ये लोहार यहाँ पे कुछ बना रहा है, क्या बना रहे भाई? घोड़े का नाल। So it's probably all about fertility and prosperity. Is he magical? He's a god. Pagan one. Peaceful one. Yes. God. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कौन है वो god? Island का कोई hero? Maybe. यहाँ पे ऊपर भी dance हो रहा है, wow. Dances. Missy dances. और Hugo को dance काफी पसंद है. You know how to dance this, Arno? Do I look like it? Oh, you never know. I'd like to see you dance. अर्नोड दिखता है नाचने वाला, हाँ तो काटने वाला दिखता है। I'll imagine it then. कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है। Maybe it's island का lord. Okay, ये सब ये prayer कर रहे हैं। Okay, got it. Sorry about that. Oh, don't be. कोई lord नहीं आ रहा, ये सब मिलके play कर रहे हैं। Now they're blessed actually, for many, many years. तो Hugo चाहता है कि हम उनका पीछा करें और देखें कि वो लोग सब जा कहाँ रहे हैं। मदर, ये कोई तो लीडर है इनका एक्चुअली में। ओ कौन है इनका लीडर? Where is she? She should have been here already. Sorry, sire. ये कौन है टकला? ओ भाई साहब। All right. Yes. You all know me. Oh. I'm not a man of words. Emily, your priestess, she will be here soon. Emily. She will open these brighter days with her beautiful words. The words of a mother. Mother of the child of Embers. The child of Embers. Sacred lands. It's him. From Come. The rats of disease and war. The rats? No, wait. Hey, what are you doing? Oh. It's because it's the Count, Amicia. We had a deal. Call your rats. Wait, what? That's your deal? She yeah. saved me so he would murder the Count for you. You survived. That comes with a price. Oh, now, shit. You don't take advantage of a child and call it a deal, Arno. Arno यहाँ पे सबको मारना चाहता है हिगो का यूज करके. Won't ruin that. Fuck it. I don't need you. No. Arno. Oh, shit. I knew it. Oh, bhai. तो ये करने आते हैं यहाँ पे. I'll take care of him. Catch the girl. क्यों हमें क्यों? हमें क्यों? हमें क्यों? Why? आर्नोड गया भाड़ में. भागो. भागो भागो भागते रहो, रुकना मत. वो बच गए अभी के लिए. वो बाहर ही है. Hugo भी लाइक ये फिर से शुरू हो गया, बैठ गया डिप्रेस्ड होके. फिर है कर दिया उसे दुखी. Should have seen it coming. वही तो सोफिया ने सही बोला था, बिना किसी मतलब के वो तो हमारी हेल्प करेगा है नहीं है. देखा nice.
It always turns bad. हमेशा बुरा होता है हमारे साथ. ऐसा युगो बोल रहा है. कभी सही नहीं होता. We're going back. Why? It's too late. No. Things aren't always nice, but you can change them. We fight. We stop Arno before he does more damage. हम आर्नो को रोकेंगे. हम लड़ेंगे. ताताकाए. अमीसी एकदम फॉर्म में आ चुकी है अभी. तो लेट्स गो. We need a way. आ जाओ. A discreet one if possible. What if Arno is dead? तो बेसिकली जिनको समझ नहीं आया यहाँ पे ये हुआ कि आर्नोल्ड ने ह्यूगो के साथ डील किया था कि अगर वो इनको इस आइलैंड पे लेके आएगा तो ह्यूगो अपने चूहे बुलाएगा और इस आइलैंड को तबाह कर देगा. लेकिन अमीशा ये जान लेती है और ऐसा होने देती है नहीं, क्योंकि उसका भी एक मतलब है ना आर्नोल्ड का. इसलिए तो इन दोनों को वो लेके आए इस आइलैंड पे. आ जाओ. ओके, ये रहा वो बॉक्स जहाँ पे हमको एक टूल मिलेगा ताकि हम चीजें अपग्रेड कर सकें. ओ ये रहा. हमारे पास सामान क्या है और? मेरे को आई गेस थोड़ा क्राफ्ट कर लेना चाहिए ताकि बाद में मेरे को काम आए. एक एक्सटिंग्विशर स्लिंग को अपग्रेड करते हैं. आ जाओ. तो अभी हमको जल्दी से फटाफट जाके आर्नोल्ड को रोकना पड़ेगा ताकि वो कुछ ज़्यादा तबाही ना मचा सके. और ओ हाँ हाँ, उनको फॉलो करते हैं. चलो 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 चलो. हमेशा बोलती है उनके पीछे पीछे चलते हैं. मैं भी फाल्कन. The falcon reacts quickly to a slight noise. Stay behind cover as much as possible. You tools. Okay. ठीक है. So falcon हमें attack करने वाला है. Got it. Falcon को हम पत्थर से मार सकते हैं. Okay. तो हम वो falcon को मार नहीं सकते. ठीक है. हमको cover से जाना पड़ेगा. तो उसको distract करने के लिए मैं क्या करूँ? Let's go now. हाँ. फास्ट है लेकिन स्टूपिड है. नो नॉट दिस टाइम. ओके, मैं बताऊं प्ले किसे बोलते हैं? मैं बताऊं तेरे को? पास जाके अभी कवर नहीं यहाँ पे कहीं पे भी. ना वेस्ट. बहुत तेज है वो, बहुत तेज है. ओके वहाँ भी है, वहाँ भी जा सकते हैं. एग्जैक्टली. एक गलती और हम खत्म. ओ शेट. पत्थर में भी कोई दिक्कत नहीं है. वापस से पत्थर. जा जा. आ ये भाई कुछ ज्यादा इंटेंस नहीं है ये. रुको मैं जा. हमेशा नहीं कर सकता भाई, ठीक है ना. ओके अब क्या करना है? अब मुझसे अटैक कर ही नहीं सकते, वही तो दिक्कत है ना. रुको, अभी हमको उसे डिस्ट्रैक्ट करना. वहाँ पे एक वहाँ पे एक आग जलाने के लिए वो है, ठीक है. मे बी हम उसे जला सकते हैं अपने फायर वुड से. जा जल. भागो. एग्जैक्टली. बच गए भाई फाल्कन से. ये तो भाई भिड़ रहे हैं भाई एक दूसरे से. हैं पूरे लड़ाई करने के मूड में है. खोल दे बकचोदी कर कुछ. जा ले फेल दिया उसको. वो पकड़ लिया.
So this is his army. A girl and a boy. नहीं हम उसके साथ नहीं है टकलू. ओह ये कौन है? Emily. लेडी लेडी एमिली आ चुकी है हमें बचाने के लिए. इस आइलैंड की लेडी. एग्जैक्टली. ओह ओह Don't get carried away. She helped. Emily मैम आप तो काफी. Of course my love. I'll kill your bitch count. अरे अरे गांधियों दे रहे हैं भाई. हेलो You've always been a disgrace to the knighthood. भाई चिड़ा क्यों मतलब आर्नोट चिड़ क्यों रखा है भाई उनसे. Lock him up. बंद कर दो उसे. कुछ ज्यादा उड़ रहा है वो. Would you agree to be our guests for dinner? हाँ डिनर के लिए पूछ रही है बॉस से. Sure. Emily's right. You helped, you deserve it. Exactly. तो टकला पूछता है कि तुम लोग एक साथ कैसे हो. तमी से बोलते कि हमने एक बोट शेयर किया था और हम लोग अच्छे लोग हैं ठीक है. और ये सुन के एमिली बोलती है कि अगर तुम लोग अच्छे लोग हो तो तुम लोगों को हमारे साथ डिनर तुम लोगों को हमारे साथ डिनर करना चाहिए हमारे महल में. ये देखो ये है वो महल. क्या चोखा महल है भाई. क्या सही लग रहा है. मे बी इस महल में हीगो का क्योर हो. बहुत सही घर है भाई. बहुत सही घर है. Incredible. Come inside. ओ कितने दिनों बाद एक महल के अंदर जा रहे हैं भाई. आ जाओ. अच्छा अच्छा. It is, and it's only a small part of the palace. Oh, do you fancy some dates before we show you to your room? Dates? Dates? What is it? A fruit, Hugo. Can I? Come on. Sure, Your Grace. अच्छा dates खाने की बात हो रहा है. Okay, okay. Yes, I know this all looks pretty formal, but please, here I'm not Your Grace. I am the mother. I am myself. Hello. So be yourself. Yes. During the brighter days, all the people. की मम्मी आ गई ना. फिर तेरी मदर निकाल देगी वो दूर रही हुआ से. A bon vivant. Be careful. They're very rich. So where are you from? Guyenne. We fled the war and the plague. We came here hoping for a better life. Okay. And we heard of this island. You were right to come here. Let's keep going. You must be tired after this. तो वो टकला पूछता है कि तुम लोग कहाँ से हो. अमीशा बोलते हैं कि हम ग्वेन से हैं और हमने ये प्लेग मतलब प्लेग देखा है मतलब सब सब कुछ सफर करके मुश्किलों का सामना करके हम जीने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा घर ढूंढ रहे हैं. आई मीन एक अच्छा घर ढूंढ रहे हैं. लेकिन अमीशा ने उनको सच बताया नहीं कि हम यहाँ पे एक्चुअली क्या करने आए हैं. Finally, they cleaned the basins. But Dad was killed. By who? How? Hugo. Victor, don't be so military. You know me. इतना कार्रवाई करना सही नहीं है ना. Yes. पापा मर गए तो मर गए पापा उसके. कैसे मरे क्यों मरे नहीं पूछना चाहिए. But we managed to make them grow anyway. And they look great. Thanks to a lot of love and care. We are just like them, you know. We drink water. And we need a good soil, love and care. मेरे भाई से दूर क्यों नहीं रहती तू? This land is open to you. पीछे क्रॉस वो देख रही है तू? Keep growing here. But of course, the bits are still to side. Right, Amicia? Thank you so much. आजो. Those were kind and true words. Thank you so much. Victor? Of course, my Come, love. Hugo. इसका नाम Vector है, okay. The land here is strong. टकला Vector. The child of embers breathes life into it. Amicia, one stone hits the bird. हाँ. Would you pray with me? You can do it in your own way. Sure. Hugo? I'll pray to the bird. जो ये मतलब स्टोन पे जो बर्ड बर्ड है ना वही मतलब हीगो को अपने सपने में दिख रहा था. ओके तो मे बी ये जो बच्चा है सामने ठीक है इसका कुछ तो कनेक्शन है मे बी हीगो के साथ. थैंक यू. कुछ तो शक्तियां हैं. वो तो आगे जाके रिवील होने वाला है. मदर कुड वी टेक सम टाइम To pray for our father. I'll wait for you. हमेशा बोलते हैं कि हम कुछ अकेला टाइम चाहिए ताकि हम अपने फादर के लिए प्रे कर सके. Is it really your bird? Take a good look at it. Oh, yes. अच्छे से देखना. ये तो है ना. It has the same beak. I just know it. Good. Very good. Let's go back to them. And no word about that to anybody here, right? Exactly. किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं. हमारा मिशन सीक्रेट रहना चाहिए. Is everything ready for tomorrow? Yes. The new robes look wonderful. It will be perfect. Excuse me. कुछ तो बातें कर रहे थे वो लोग. Shall we go?
Sure. हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं. One child can change everything. That is very true. One child can change everything. ये अम्मी से आने कुछ जानबूझ के आ जाओ. ओ तो ये हमारा कमरा है इतने दिनों बाद. This is too much. Nonsense. You are our guests. There's a good dinner being cooked. और ये हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं ठीक है. Oh, we'll need to get you some new कुछ clothes. तो झोल है. It looks like you've had a long journey. Okay. कुछ तो गड़बड़ है. Are you going to kill Arno? Hugo. He will be judged. All those who do bad things are, and he did a lot. But exactly. उसने बहुत बुरे काम किए हैं. You will have the chance to testify if you wish to do so. But enough of that. We'll leave you to rest. Tomorrow, feel free to enjoy Lacuna. Brighter days are the best time for it. Okay. Thank you. आज हम रेस्ट करेंगे और कल हम लकुना घूम सकते हैं. My lady. Oh. Beds are great. Try jumping on them. Yes. अच्छा उसने बोला कि बेड्स अच्छे हैं जंप करके देख. और ये कुछ तो झोल है ठीक है. Okay, maybe. Feel so nice. एक दिन बीत चुका है. ओ नए कपड़े. Come here, sleepyhead. अमिसिया तो काफी अच्छी दिख रही हैं. Come on, it's just the sun. Look, it's worth it. Wow, it's well, it's like a dream. Yes, एक सपना. Exactly like my dream. Quickly, let's eat something and get going. Come on. अमिसिया बोलती है कि चलो कुछ खाते हैं और आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं घूमते हैं ठीक है. लकुना. We're here to know why you dreamt about this place, right? Yes. Let's go. Okay, तो दोस्तों हम फाइनली आइलैंड पे आ चुके हैं ठीक है. जो आइलैंड ह्यूगो अपने सपने में देख रहा था फाइनली हम उस आइलैंड के What perfect weather for exploration. Yes. फाइनली उस हम आइलैंड के एक महल में है और इस आइलैंड में एक लेडी रहती है जिनका नाम है लेडी एमिली. ओके तो उन्होंने हमको एज ए गेस्ट अपने महल में रहने दिया है. ओके और उनको पता नहीं है कि हम इस आइलैंड में कुछ ढूंढने आए हैं ठीक है. बेसिकली ह्यूगो का क्योर ही ढूंढने आए हैं क्योंकि ह्यूगो को लगता है कि इस आइलैंड में कुछ ऐसा कुछ खास है जो उसकी हेल्प कर सकती है. ओके तो आगे क्या होने वाला है यह हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में. और आगे हम इस आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे क्या मिस्ट्रीज है वो सब हम जानेंगे. तो मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड सी या.